नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, अगर कोई मुसीबत में आपसे राय मांगे तो राय के साथ है अपना साथ जरूर देना, क्योंकि राय गलत हो सकती है मगर आपका साथ है कभी नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और बच्चों एक बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ये स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की कट ऑफ है क्या रहने वाली है। पहले मैंने इसकी कट ऑफ इसलिए नहीं बनाई कि ताकि कंप्लीट है ना, हम एक एनालिसिस कर सके पूरी एक टीम से, जो पीछे जो बच्चे खुद एग्जाम देकर पिछली भर्ती में लग चुके हैं उनसे बात हुई, जैसे सिंह नर्सिंग एकेडमी से बात हुई क्योंकि वो काफी टाइम से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और उसके बाद ही मैंने कट ऑफ की ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो प्यारे बच्चों इस बार है ना सारा एक एक कट ऑफ कम भी जाएगी क्यों जाएगी, कई कह रहे मेरे 70 है 75 है, वो सारी बातें करेंगे, बिल्कुल फैक्चुअल वीडियो है। हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना कट ऑफ के बारे में, एक नंबर देता हूं 99 916 20 21 0, ये नंबर सेव कर लेना, और इस पर कोई भी क्वेरी आपकी हो ना तो वो पूछ लेना। 99 916 20 21 0 ये संदीप सर का नंबर है, इनकी खुद की जो सिस्टर है ना वो भी नर्सिंग है, ऑफिसर है, आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो बात करता हूँ स्टाफ नर्स जिसे हम नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों। टोटल पोस्ट है ना, अगर मैं SS6 और ग्रुप स्केल 7 की अगर मैं बात करूँ ना, टोटल पोस्ट 1554 टोटल पोस्टें रहेगी, 1554 पोस्टें थी। इसमें स्टार्टिंग में ही ना इनका कंपटीशन का जो लेवल था वो 2.5 गुना था, और कम से कम 10% से ज्यादा बच्चों ने पेपर भी नहीं दिए। तो इसमें ना मिनिमम है ना एक है, आप बच्चे बहुत से बच्चे इस चीज में भी बाहर हो रहे हैं। कई कह रहे हैं सर क्या मेंस में भी जो क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स का 50 और 40 है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों मेन्स के एग्जाम में भी बहुत से ऐसे मैं बच्चे बता दूंगा जिनका सीईटी तो क्वालिफाई हो गया, मेंस का एग्जाम दे दिया, और मेंस के एग्जाम में भी वो 50 और 40% की जो कंडीशन है वो भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। ऐसे 5 से 7% बच्चे वो मिलेंगे, 10% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, 10% बच्चे टीवी के टाइम पर बाहर हो जाएंगे, और 10% बच्चे मैं बताऊंगा किन कारणों से एक सर्टिफिकेट है उस वजह से बाहर होंगे। तो कहने का मतलब है कट ऑफ है ना बिल्कुल ज्यादा नहीं जाएगी, वो सारी चीजों पर आज मैं बात करूंगा। तो टोटल पोस्ट 1554 है जो बहुत बड़ी पोस्टें होती है, और इन्होंने ना जो क्राइटेरिया की एक डेडलाइन जारी की थी टोटल पोस्टों के लिए वो 18 मई 2023 जारी की थी, और लगभग है ना प्यारे बच्चों आपकी इतने बच्चों ने 1860 से ज्यादा थोड़े से बच्चों ने क्या दिया था, एग्जाम दिया था। इसमें ना एक इन्होंने डिप्लोमा दे रखा था कि ये अप्रूव्ड HNRC से होना चाहिए। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर मेरा देहरादून से है, कोई कह रहा है राजस्थान से है, कोई कह रहा है पंजाब से है, तो अदर वाले तो वैसे भी बाहर हो जाएंगे। ये कंडीशन HNRC, तो इसमें से ना प्यारे बच्चों मान के चलो या तो वो DV के टाइम में भी बाहर हो जाएंगे, और इसके कारण भी वो बहुत से बच्चे बाहर हो जाएंगे, और बहुत से बच्चे इसके कारण भी 50 और 40% के कारण भी बाहर हो जाएंगे। अब मैं कट ऑफ पर बात करता हूं, क्योंकि कई बच्चों के मन में भ्रांति होती है कि मेंस में जो पेपर देगा ना वो लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेंस में पेपर देने वाला नहीं लगेगा, और बहुत सी वैकेंसी है तो बेटा खाली रहने वाली है। जैसे एक सर्विस मैन की जो वैकेंसी होगी ना वो पूरी भरेगी नहीं, वो तो क्या चली जाएगी, खाली चली जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, फिर क्या करेगा उसे, मतलब अगर AC एक सर्विस मैन की है तो उसको ना AC कैंडिडेट में वो जोड़कर कट ऑफ मतलब डाल दी जाएगी। तो कहने का मतलब है स्पोर्ट्स पर्सन की है ना जिसका भी अगर CET मेंस क्वालिफाई है ना वो सभी लगेंगे, मैं सभी पर बात करूंगा। अगर DV की अगर मैं बात करूं ना तो सभी का DV आने वाला है, अगर जिसने बिना क्वालिफाई किया है ना CET मेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो सभी बच्चों का DV आएगा। जर्नल में आपने 50% मार्क्स लिए हैं और आपने AC में 40%, अदर वेकवर्ड क्लासेस में 40% लिए है तो सभी बच्चों का DV आएगा। हाँ, जर्नल की कट ऑफ है ना ये मान के सकते हैं प्यारे बच्चों 2-3 नंबर हाई जा सकती है। हाँ, जो मतलब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से, तो जिसके भी जर्नल में 52 के आसपास मार्क्स है ना उसका ना सिले, पिछली बार 56+ गया था लेकिन इस बार है ना कई कंडीशन पूरी नहीं हो रही है और बहुत सी और भी बढ़ती है, तो 52 के आसपास है
52 एक माइनस एक प्लस हो सकता है, 52 वाले का जर्नल में हो जाएगा। बीसीए की अगर मैं बात करूं ना, बीसीए की मैं बात करूं तो बीसीए में जिसके भी 41 क्वेश्चन है ना, 41 नंबर बन रहे हैं, क्योंकि इसमें ना डीवी जो ढाई नंबर है बेटा वो डीवी के बाद जुड़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो 100 में से अगर ना जिस बच्चे के भी अगर मतलब ढाई नंबर तो वो डीवी के बाद जुड़ेंगे, तो ये 100 में से आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो 52-53 जो जर्नल है ना आराम से आ जाएगा। 75 वाले भी है ना, कई कंडीशन की वजह से बेचारे बच्चे बाहर हो सकते हैं। तो अब बात आती है बीसीबी की, बीसीबी की जिस भी बच्चे के ना 43 से, इसमें दो नंबर का आप डिफरेंस मान के चलो, 52 से आप दो नंबर का डिफरेंस मान के, 52 से 54 के बीच में, ये 41 से 43 के बीच में, ये 43 से 45 के बीच में, ये दो नंबर का ज्यादा ही डिफरेंस दिया बेटा, इसके आसपास नंबर वाले भी 41 वाले का भी हो जाएगा 43। ये कई बच्चे कहते हैं सर बहुत कट ऑफ कम बताई है, कम नहीं है, ये फैक्ट के आधार पर रहेगी। अगर एसी कैंडिडेट है ना, एसी का 39 में क्लियर हो रहा है, तो 40 से 42 के बीच में ना जिस भी बच्चे के नंबर बनते हैं ना उसका आराम से हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की है ना जर्नल के क्लोज रहती है, तो ये 47 से लेकर आपका 50 के बीच में जिसके भी ईडब्ल्यूएस में मार्क्स बनते हैं वो बच्चा सेफ कैटेगरी में है। ईएसएम की, एक सर्विसमैन की, ये तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना, वो भी लग जाएगा ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन में, पीडब्ल्यूडी में वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना, तो भी वो लग जाएंगे। तो और भी प्यारे बच्चों आपको जानकारी चाहिए ना, खुद जो नर्सिंग ऑफिसर है उनसे आपकी बात करवा दी जाएगी। 99-916-20-21-0 इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी का समाधान पूछ सकते हो। इन पर व्हाट्सएप कर देना, सर मेरा ऐसा ऐसा है क्या मेरा होगा, तो ये पर्सनली आपको कॉल करके संदीप सर इसका आपको जवाब देंगे। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल तथ्य आधारित कट ऑफ रहेगी। आपकी भी क्या राय है, और सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर को अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत अच्छी पोस्ट है, और इस पोस्ट पर जाने के बाद है ना आपको मतलब समाज हित में कार्य करते रहना, ये तो समाज सेवा का सबसे अच्छा तरीका है जो परमात्मा ने आपको दिया है। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, और आपकी इस कट ऑफ के बारे में क्या राय है कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।